फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, शुद्ध गति की पढ़ रहे थे। तो तीन चार क्लास है जिसमें हो गया है, तो आज इससे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आगे देखो कैसे बढ़ाते हैं, देखो चूंकि बाबू इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। हाँ देखो इसमें जो अड़ा है तुमको ये पढ़ना है तुमको, देखो पहले बाबू ऐसा ग्राफ बना दिया, ग्राफ बना दिए, यहाँ पर लिख दिया बाबू स्पीड, क्या लिख दिया बाबू स्पीड, ये हो गया तुम्हारा टाइम, क्या लिख दिया बाबू यहाँ पे टाइम लिख दिया, यहाँ पे स्पीड लिखा है, यहाँ पे टाइम लिखा है। तो पहले बताओ ये ग्राफ कैसा, इस ग्राफ को क्या कहेंगे हम, एकदम शून्य से सीखा कर बाबू, नहीं पढ़े हो तो पूरा वीडियो डलाएगा देख लेना, ठीक है, मतलब तीन को वीडियो होगा यूट्यूब पे देख लेना इसको, ये चौथा क्लास है, ठीक है। तो बाबू देखो ये स्पीड है, ये तुम्हारा टाइम है, तो इस ग्राफ को सबसे पहले हम क्या कहेंगे, चार समय ग्राफ कहेंगे। बहुत ही बढ़िया जवाब, क्योंकि वो तुमको कल बताए थे, मतलब पिछले क्लास में बताए थे जब स्टार्टिंग के थे, देखो पहले हम बताए थे तुमको ऐसा बताए थे, यहाँ पर लिखे थे बाबू क्या पोजिशन, यहाँ पर लिखे थे तुम्हारा टाइम, कितने लिखे थे इसको बोले थे पोजिशन टाइम ग्राफ है। काहे कहते हैं कि जब आप ग्राफ को लिखना शुरू करते हैं तो पहले हम वाई एक्सिस को लेते हैं फिर एक्स एक्सिस को लेते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, यहाँ पे स्पीड लिखा है, यहाँ पे टाइम लिखा है, तो उसे बाबू क्या कहेंगे, बोलो स्पीड टाइम ग्राफ कहेंगे, ठीक है। पहला बात तुमको ये समझना है, ठीक है, इस ग्राफ को बाबू क्या कहेंगे, बोलो स्पीड टाइम ग्राफ, क्लियर। अब देखो इसको सिखाने के पर्पज मेरा कुछ उद्देश्य है, अब देखो मान के चलो कि ये तुम्हारा ग्राफ है, तो एक रेखा ऐसे में खींचा, इसका मतलब तुमको क्या लग रहा है, ये वस्तु का क्या दिखा रहा है तुमको, रेस्ट है कि मोशन में है, रेस्ट में है कि मोशन में, रेस्ट की मोशन में, रेस्ट की मोशन में, रेस्ट जितना आदमी रेस्ट बोला ना पहले मुंह पे थप्पा मारो कस के, आज इतना जोर से मारो कि पूरा बाजनी सुनाई पड़े गधा के, पहले तो दिखा क्या लिख दो, तो स्पीड लिखा हुआ है ना, अरे ये ग्राफ रेस्ट का होगा कि बाबू पोजिशन लिखा है टाइम लिखा है, अरे बाबू टाइम चल रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति क्या है एक ही जगह है, यानी देखो जैसे बाबू तुमको ग्राफ लिख दिए तुमको पॉइंट बना दो यहाँ पे, ऐसे बाबू खींच दिए तो यहाँ पे वस्तु यहीं पे है, यहाँ पे लिखे वस्तु तुम्हारा यहीं पे है, यानी बाबू जब हम तुमको बताए थे यही चीज को कि लिखा क्या है इसको लेके चलना है, ये नहीं कि लिखा कुछ और है सोच कुछ और है, तो पोजिशन चेंज नहीं होगा तब ना बोलेंगे रेस्ट में है, यहाँ तो बाबू स्पीड में है, तो बाबू टाइम तो बढ़ो, इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिफॉर्म को समय चल रहा है, कॉन्स्टेंट स्पीड है उसका, तो बताओ जब टाइम यहाँ पे है मान लो क्या 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो बताओ 2 सेकंड में भी 20 मीटर है कि नहीं, जब आप 5 सेकंड में चला गया तो आप तो भी 20 का स्पीड 20 है, दूरी तो तय हो ही रहा है बाबू, अरे बोलो ना पहले हमारा कोई चीज यहाँ पे था दूरी तय हो रहा है कि नोड़ा बोलो, तो स्पीड जो आप दिखा रहा है ना स्पीड बाबू क्या है नियत स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब सो हुआ, है ना। तो ये जो ग्राफ तुम्हारा है ना ये बाबू क्या दिखाता है नियत स्पीड का दिखाता है, नियत चाल ग्राफ, क्या हो ये तुम्हारा नियत चाल ग्राफ, ठीक है नहीं सुन आया, अरे नियत साफ रहेगा तो ना ग्राफ समझेगा, इसलिए नियत साफ रखो फिजिक्स समझ में आएगा। तो मेरा उद्देश्य बाबू इसमें क्वेश्चन करवाने कुछ न्यूमेरिकल करवाने, ठीक है। आप देखो कैसे मैंने चलो ऐसे तुम्हारे बाबू क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, यहाँ पर लिखा है स्पीड, क्या लिखा है बाबू स्पीड, यहाँ पर लिखा है तुम्हारा टाइम, ठीक है, क्या लिखा है टाइम लिखा है, तो मान के चलो कि हम ऐसे ग्राफ खींच दिए, इसे ऐसा वो ग्राफ खींच दिए, तो उनको निकालना है कि बाबू यहाँ तक में स्पीड हुआ टाइम दिया है तो क्या निकलता है बाबू डिस्टेंस निकलता है, तो बाबू हम मान लेते हैं कि यहाँ तक बाबू कितना दूरी तय किया है, अब तक कितना दूरी तक चला गया है, तो बाबू देखो स्पीड टाइम है तो स्वाभाविक का डिस्टेंस निकलेगा, तो स्पीड टाइम का ग्राफ वो क्या देता है दूरी देता है, तो देखो दूरी निकालने के लिए बाबू देखो मान लेते हैं कि इसका यहाँ पर मतलब 5 सेकंड जीरो से बाबू यहाँ जीरो टाइम होगा या बाबू फिर 1 होगा, ऐसे करके बाबू 2-3 बाबू 5 सेकंड में पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है 5 सेकंड में बाबू क्या हो गया यहाँ पे पहुंच गया, तो हम ये कहेंगे तुमको कि मान लो यहाँ डिस्टेंस से बाबू लिख देते चले निकालते चलो या बाबू डिस्टेंस दे दिया क्या दिया बाबू डिस्टेंस, तो अब जब डिस्टेंस दिया है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि क्या दूरी दो यहाँ पर दूरी बढ़ रहा है धीरे धीरे ना, तो मान चलो कि यहाँ पर दूरी ना तुम्हारा 20 मीटर है यहाँ पर चला गया 20 मीटर यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा 20 मीटर हो गया है, ठीक है ना, जीरो से शुरू किया तो दूरी बाबू 20 मीटर पर चला गया है,
क्योंकि अब टाइम कहां चला गया है 5 पर, तो बोले रो डिस्टेंस और टाइम अगर आप क्या देगा स्पीड देगा, तो स्पीड वाओ कैसे निकालोगे, तो क्वेश्चन तो दिमाग में तुमको आता है ऐसा जी इसको सॉल्व करना है, तो ऐसे चुटकी में मसल लेके आप उनको पढ़ाए थे कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड गुने टाइम होता है, पता है तो थे या बाबू ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस दिया टाइम दिया तो स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टी हो जाएगा, बोलो ना ऐसा जी एस बराबर 20 अपॉन 5 यानी बाबू 4 मीटर प्रति सेकेंड, तो ऐसे निकाल देंगे। नहीं बाबू मेरे सिखाने के ऊपर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये लॉजिक तो कम से कम नहीं होगा, है कि नहीं, बस हम ग्राम से बाबू आंसर निकाल सकते हैं इसलिए तो वो सिखाया जा रहा है। तो देखो मेरे भाई ये तुम्हारा कौन सा ऐसे लकीर खींचे हैं ऐसे फिर तुम्हें कौन सा त्रिभुज लग रहा है, ये समकोण त्रिभुज, तो मान चलो कि ये यहाँ तक बाबू गया है ना, इसको आप पी बोलेंगे कि बोलेंगे बोल परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक बाबू 5 दिया कि नहीं दिया है बोलो, 5 दिया कि नहीं दिया है बोलो, तो देखो ये स्लोप, देखो ये तुम स्लोप निकालोगे ना इसका स्लोप तो आंसर बाबू आ जाएगा, तो स्लोप किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए टेन थीटा का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं बाबू टेन थीटा का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं टेन थीटा का, तो टेन थीटा बाबू क्या होता है परपेंडिकुलर पी अपॉन बी, पी अपॉन बी नहीं होता है जी, पी अपॉन बी होता है, तो पी का वैल्यू बाबू कितना दिया था, देखो कितना दिया है देखो ना यहाँ से यहाँ तक 20 है तो यहाँ से यहाँ तक 20 है ना बाबू होगा, तो यहाँ 20 दिया है, पी का वैल्यू कितना दिया बाबू 5, काटेंगे तो बाबू 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा बाबू, तो सिखाने का पर्पस बाबू ये है जो तुम 9 क्लास में नहीं पढ़ोगे तो 9 क्लास तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एनडीए तक क्वेश्चन बाबू 10 क्लास तक ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मौसम तुम्हारे 9 क्लास में है तो 9 क्लास को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ 11 क्लास का भी रहेगा तुम्हारा, क्लियर बाबू हो गया बोलो क्लियर। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन तुमको करने पड़ेंगे, तो तुमको निकालना है दिमाग लगाते चलना है बस, तो मान चलो कि बाबू ये तुम्हारा क्या है, अरे बाबू किसी भी ग्राफ का ढाल बाबू क्या होता है टेन थीटा होता है, टेन थीटा माने क्या होता है वो लंब अड्डे में आधार, लंब अड्डे में इसलिए लंब अड्डे में आधार लगाया है, तो ये लंब होगा कि नहीं होगा बोलो, ये लंब है कि नहीं है बोलो, ये आधार है कि नहीं आधार बोलो, तो पी अपॉन बी नहीं होगा तो 20/5 नहीं होगा 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मेरा ये मतलब आप बिल्कुल नहीं कि तुमको फॉर्मूला लगा के बनाना है, तो ऐसा जी परीक्षा में फॉर्मूला लगा देंगे, तो हम परीक्षा में फॉर्मूला लगा देना ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुमको वो सिखाना है, सिखाना भी एक जिम्मेवारी होती है, तो इसलिए तुमको सिखाया जा रहा है कि देखो बिना फॉर्मूला का भी ग्राफ बना सकते हैं, इसे देखो मान लीजिए बाबू देखो यहाँ पे दिया स्पीड, क्या दिया है स्पीड, चलो चलते चलते बाबू हमेशा, तो आप मान लेते हैं कि स्पीड बाबू यहाँ से ना 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो चीजें सीखने हमको सीखते चलना है, या बाबू जीरो टाइम है या तो जीरो मिलान बिंदु तो जीरो होगा ना, तो बाबू तुम्हारा वाई एक्सिस है या तुम्हारा एक्स एक्सिस है, तो बाबू यहाँ पे हम टाइम लिखते हैं, तुरंत दिमाग में आ गया बाबू स्पीड टाइम ग्राफ है, तुमको क्या देगा दूरी देगा, स्पीड क्या देते हैं दूरी नहीं निकलेगा, तो स्पीड टाइम का ग्राफ है दूरी निकलेगा, ये बात समझ में आ गया, हम मान लेते हैं बाबू ये जो स्पीड है ना उसका कॉन्स्टेंट स्पीड है, देखो 5 सेकंड में ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है 5 सेकंड में यहाँ पहुंच गया, बता डिस्टेंस कितना होगा 5 सेकंड में बाबू यहाँ पे पहुंच गया, ये 5 सेकंड में बता डिस्टेंस कितना होगा, दिमाग लगा के बनाना भी कर देते हैं बोलो बोलो कितना हो जाएगा, बोल भाई बोल कितना दूरी तय किया है, अरे तो पहला ऐसे ही बोलेंगे सर जी 2500 खत्म, ऐसे नहीं बोल दोगे, अरे डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू स्पीड गुने टाइम होता है, बोलो ना तो स्पीड कितना दिया है 20 और टाइम कितना दिया तुमको 5 सेकंड, ठीक है ना, तो 2500 मीटर नहीं हो जाएगा बोलो, तो वो स्पीड टाइम अगर आपको क्या देता है डिस्टेंस देता है, ये बताओ हम तुमको ऐसे बनाने की बोले हैं, देखो तो हम ये कह सकते हैं जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है वही बाबू 4 यहाँ से यहाँ तक होगा बोलो कि नहीं बोलो, तो थोड़ा बाबू हमको डायग्राम बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम है, बहुत नहीं बना पाते हैं, लेकिन चीजों को सुधारने में बहुत महारत यहाँ से है, देखो बाबू ये 20 हो गया तुम्हारा यहाँ से 20, ये तुम्हारा 20 है कि नहीं बोलो, टाइम बड़ा कितना गया 5 गया कि नहीं गया बोलो, जब ये 20 है तो थोड़ा बाबू 5 जो ये भी 5 है ये भी 5 होगा बोलो, ये भी 5 नहीं होगा बोलो, तो रेक्टेंगल बना के बना आयत बना के नहीं बना बोलो, तो आयत का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, तो बाबू देखो लंबाई कितना दिया है, मान लेते लंबाई 5 20 कुछ भी दिया है, तो 20 दिया कितना दिया बोलो 20 बच्चे तो नहीं आ गया बोलो, जैसे मैं आया तो लंबाई गुने चौड़ाई से और क्षेत्रफल निकाल दूरी निकालेंगे निकालेगा आपसे बोलो, तो सिखाने का पर्पस बाबू ये है कि तुम दूरी चाल में जब हमको स्पीड निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, स्पीड दिया है टाइम दिया है तो ग्राफ से भी हम दूरी निकाल सकते हैं,
ठीक है ना, बस देखना कैसे गया है नहीं गया है। तुम जानते हैं कि स्पीड टाइम का ग्राफ हमको बात डिस्टेंस देता है, तो ऐसे कर लोगे नहीं कर लोगे बोलो। समझ में आ रहा है चीजें, समझ में आ रहा है चीजें, चलो ठीक है बहुत बढ़िया, चलो ऐसे ही समझना है बाबू चीजों को। अगर वो आर एक ग्राफ बनाते हैं बहुत सुंदर सा, यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं तो वो समझ आना चाहिए। ये थोड़ा जीरो हो गया, ठीक है, ये वो मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड, यह वो मान लेते हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन बाबू घुमाएंगे। और ये थोड़ा चला गया यहाँ पे, ठीक है, ये मान लेते हैं 2 सेकेंड, ये जब टाइम है, ये तुमको ये बाबू तुम्हारा क्या स्पीड है, ये तुम्हारा क्या है बाबू स्पीड, ये तुम्हारा बाबू क्या है टाइम, नीचे क्या है तुम्हारा टाइम। अरे देखो यहाँ पे देखो, यह वाले तो मिला कर लिखना पड़ेगा ना, तो 2 सेकेंड है भैया, तो 4 हो गया है या थोड़ा 6 हो गया है, 6 सेकेंड यहाँ पे 4 सेकेंड है, बताओ कितना दूरी तय किया है, बताओ कितना दूरी तय किया है, कितना दूरी तय किया बताओ, दिमाग लगा दो, फिजिक्स पढ़ो दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग दिया है तो लगाना पड़ेगा, विकास क्या हुआ, लोहा को लोहा काटता है, गर्मी को गर्मी काटेगा पढ़ाई से, 5 मीटर कुल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस निकालना है मुझको, स्पीड दिया है टाइम दिया है, तो इस समझना डिस्टेंस निकलेगा, ये बात समझ में आ गया मुझको, कितना डिस्टेंस कवर किया ट्रेवल किया है। अब बताओ ऐसे बिना टैक्स थोड़ा सा बना सकते हैं, बताओ आप निकल हुआ कि नहीं बोलो, आप बनाओ कैसे बनाएंगे, विश्वजीत नहीं दिमाग काम कर रहा है, हम करवा दे, और ये मान लीजिए कि तुम्हारा दूरी कितना 20 है कि नहीं बोलो, टाइम कितना लगा है, 2 लगा है, ये कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो बाबू जो ग्राफ जो होता है ना, इस किसी चीज का वो एरिया कितना एरिया उपाय किया है वही क्षेत्रफल बताता है, दूरी बताता है, बताओ बोलो, जब वो हम डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ दे रहा था तो कितना एरिया ट्रेवल करता हुआ निकाल रहे थे, है ना, इसका एरिया कितना देगा बताओ, 1/2, ऐसा बोलो एरिया क्या होता है, 1/2 × 20 होगा, कितना बोलो समझेगा जी, इसका देखो ये तुम्हारा आयत है कि नहीं, देखो ये तो बाबू दूरी कितना 10 तय किया है, ये तुम्हारा यहाँ पर 2 है ना, दो मीटर दूरी है, ये तो खाली जगह है, इसमें कुछ किया ही नहीं है, है ना, तो 10 2 हो गया तुम्हारा, ये 10 × 20 नहीं हो जाएगा बाबू, ये बताओ, तो इसे ये खत्म, तो 20 अब 20 बाबू 40 हो जाए, ये सुनाया, ये सुनाया जी, जो एरिया ना तुम्हारा एरिया ना तुम्हारा बताता है डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, बोलो एरिया ही बताता है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो भाई ये समकोण त्रिभुज है तुम्हारा, ये इसका एरिया है, तो तुम्हारा 20 बताओ 2 × 40 होगा, तीनों का बोलो, देखो कैसे भाया समझ आ गया, बोलो एक क्वेश्चन इसी पे, तो एक और इसमें जोड़ देते हैं, कैसे चलो बता दे, नहीं सुनिए बाबू बोलो, किताब इसलिए क्या क्या बोलते हो, 20 × 40 = 40 × 60 एक कथा है, कहाँ के समकोण त्रिभुज ना है, समकोण त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जो स्पीड दिया रहे टाइम दिया रहे, जो इसका एरिया होता है ना, जितना एरिया कवर किया है वही इसका बाबू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, आए बात समझ में, तो देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बाबू क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का 1/2 × 2 × 1/2 × ऊंचाई, तो आधार हुआ कितना लिया है 2, ऊंचाई कितना है 20, प्लस बाबू प्लस, अब 10 × 20, तो 20 × 20 = 40 नहीं हो जाएगा, तो 200 का कैंसिल हो जाएगा, नहीं सुन में आया बात, नहीं सुन में आया बात, भारी लगा जी, असली कंपटीशन बाबू यही होता है, तो जो आदमी 10 साल दिया है कंपटीशन को यही नहीं समझेगा कंपटीशन क्या होता है कि नहीं, 10 साल खूब पढ़े हैं, 5 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल में 8 बार सीरियल निकाल रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ फाइनल, क्या कर सकते हैं, देखो आप देखो
देखो यहाँ पे देखो ये वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये बाहु जीरो है, ये बाहु टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव ठीक है, ये बाहु टी सिक्स भी लिखते हैं कौन काम पड़ जाए उसका। ये बाहु देखो दस पांच मीटर प्रति सेकेंड, ये बाहु बीस दस मीटर प्रति सेकेंड, ये बाहु पंद्रह मीटर प्रति सेकेंड, ये बाबू तुम्हारा 20 मीटर प्रति सेकंड ठीक है। पहले बाबू क्या किया है, आगे ऐसे चलना शुरू किया, ऐसे बाबू चलना शुरू किया बहुत ठीक है दूरी, अब ऐसे तुम्हारा ये पहुंच गया, बस सबको तो मुझे बहुत समझना है इसको ठीक है। ठीक है ना बाबू, टी टू बाबू यहाँ मान लेना है ठीक है, क्या चलना शुरू किया और ये बंदा क्या किया बाबू, ऐसे फिर ऐसे चला है ठीक है, फिर इसे बाबू नहीं चला है, फिर तुम्हारा बाबू ये चला है तुम्हारा ऐसे ऐसे और ट्रेवल किया है, बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया इस दौरान, डिस्टेंस निकालो कितना डिस्टेंस कवर किया है। इधर वो दस पे है ठीक है, ये दस पे है, ये तुम्हारा बाबू पंद्रह पे है, ध्यान रखना इसको, ये तुम्हारा बाबू पांच पे है, तो हाँ तक ग्राफ है तो ऊपर नीचे हो सकता है ठीक है ना। बाबू कुछ नहीं है तुम्हारा, ये खाली है तो बस लकी बना लेंगे बाबू, ठीक है गया। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाते रहो, दिमाग दिया है तो लगाना पड़ेगा, अब फिजिक्स दिया है तो बनाना पड़ेगा है कि नहीं, डरोगे तो काम नहीं चलेगा, डर के आगे जीत है, ये तो मान के लो पी लो। हो गया बाबू, आप देखो मेरे भाई यहाँ पर पंद्रह दिया हुआ है और ये कौन त्रिभुज है, संपूर्ण त्रिभुज, बोले तो संपूर्ण त्रिभुज मान लेना है, थोड़ा ग्राफ थोड़ा आगे ठीक हो गया है, देखो डिस्टेंस निकालना है तो एरिया टेकन बाय ऑल पोजीशन, देखो तो हाफ गुने यहां से अबाउट 2 हो जाएगा, जगह बोलो गुने बाबू कितना हो जाएगा 15 क्लियर, प्लस ये तो जैसे से आयत है कि नहीं, कुछ भी आयत है तो दूरी कितना गया 10, डिस्टेंस कितना है बाबू देखो यहां से टी2 से टी ये कितना हो गया बाबू 10 गुने 8 प्लस ये तो बाबू 4 है यहां पर 6 है तो बाबू 2 हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना कवर किया है स्पीड 5 के स्पीड से बाबू चला है तो 5 हो जाएगा बोलो, इस बार ये खत्म तो 15 हो जाएगा, 15 10 अब 15 के 10 तो कितना देगा 35, कैसे कितना करवा के दो बाबू, ये सुनाया बाबू बोलो, रनर इतना ही गर्मी से इतना ही हो रहा है ठीक है बाबू, तब आज कितना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, कसर पा दे पढ़ा दे।